गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय नेम इज ओम प्रकाश फ्रॉम मधुपुर सोनभद्र। आज फिर आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी आपने पिछले क्लास में टेंस का चार्ट हमने बताया था, यानी बहुत सभी सेंटेंसों को एक बार में समझाने का प्रयास किया था, और इस वीडियो में आपको प्रेजेंट इन्फिनिट, जैसा कि देख रहे हैं प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, यानी हम कह सकते हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कह सकते हैं कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वह प्रेजेंट इन्फिनिट सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रेजेंट इन्फिनिट का इंट्रोडक्शन आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, सी है, ते है करके आता है तो उसे प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस कहते हैं। यानी आपको इस इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि कोई भी सेंटेंस आपका होगा उसके एट लास्ट में कह सकते हैं अंत में ता है, ती है, ते है, ये जरूर पाया जाएगा, तो हमारा कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस। आइए आगे हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, यानी आपको अभी प्रेजेंट इन्फिनिट का इंट्रोडक्शन बताया गया जिसके एट लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस कहलाता है। लेकिन अब इसमें उनके हम भाग पढ़ते हैं। जैसे प्रेजेंट इन्फिनिट का पहला सेंटेंस अगर लेते हैं तो जो कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, जिसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सकारात्मक। या आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस का मतलब ये होता है जिसमें वाक्य में सब्जेक्ट का यानी कर्ता के कार्य का होना पाया जाता है, वह सकारात्मक वाक्य कहलाता है, यानी सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, आइए हम आपको एक एक कर समझाते हैं। आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में हम बता रहे हैं आपको अभी। इस टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पीछे बताया गया था प्रेजेंट इन्फिनिट जो सेंटेंस होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब जिसकी सहायक क्रिया डू या डज होती है। तो यानी प्रेजेंट इन्फिनिट के जो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें डू डज का प्रयोग हम नहीं करते हैं, उसके वजह हम क्या करते हैं? आइए रूल नंबर टू में देखते हैं। रूल नंबर टू में देखिए बताया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन का कर्ता होने पर वर्ब के अंत में यानी क्रिया के लास्ट में यस या ईएस लगाते हैं, यानी एक वचन का कर्ता रहेगा तो प्रेजेंट इन्फिनिट के सिंपल सेंटेंस में क्रिया के लास्ट में यस या ईएस लगाएंगे। यदि बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम क्रिया के लास्ट में यस या ईएस भी नहीं लगाएंगे, ना ही डू डज का प्रयोग करेंगे। आइए और कुछ नियम जानते हैं। रूल थर्ड में हम देखते हैं कि हम बात ये होती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यस या ईएस लगाएंगे, यानी यस भी लगा सकते हैं, ईएस भी लगा सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि कब यस लगाएंगे यानी कब ईएस लगाएंगे, यानी आप यस कब ऐड करेंगे और ईएस कब उसमें ऐड करेंगे। तो आइए उसके लिए हम एक आपको रूल बताते हैं। देखिए कुछ मैं यहाँ पे मीनिंग लिख रहा हूँ, वर्ड मीनिंग, जिसको आपको बहुत ध्यान से इसको लर्न करना है, अपनी कॉपी में सभी लोग नोट करेंगे। बिल्कुल आपको मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। ओ एक्स एस एच कह सकते हैं आप, या डबल एस कह सकते हैं, सी एच बोल सकते हैं आप, जेड, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं लिखा हूँ ओ एक्स एस एच
एस एस सी एच जेड। आपको ये जितने वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, यदि ये जो वर्ड हैं क्रिया के एट लास्ट में अगर आ जाते हैं, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे गो है, तो गो इसमें देख रहे हैं कि इसमें से ओ जो है एट लास्ट में आया है, तो यानी इसका मतलब है कि हम इतने वर्ड अगर क्रिया के लास्ट में आते हैं तो ई एस लगाते हैं। ठीक है, यहीं पे जैसे हम एक और एग्जाम्पल देके बता देते हैं आपको, जैसे आर ई ए डी क्या है, रीड। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। तो यहाँ पे रीड जो है ये तो वर्ब है, लेकिन इसमें से एक भी लेटर जो है, वर्ड जो है लास्ट में नहीं आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। यानी यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि वर्ब के एट लास्ट में इतने सारे जो वर्ड लिखे हुए हैं, अगर ये लेटर आ जाते हैं तो हम लास्ट में यस लगाएंगे, अगर ये वर्ड नहीं आएंगे तो हम यस लगाएंगे। यानी यह किसके लिए अप्लाई होगा, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के अफर्मेटिव में, यानी सिंपल सेंटेंस में ही यह रूल अप्लाई होगा। यानी इतने वर्ड अगर आते हैं तो सिंपल सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, क्रिया के एट लास्ट में अगर ये वर्ड आते हैं तो ई एस लगाएंगे, अगर ये वर्ड नहीं आएंगे तो यस लगाएंगे, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। प्लूरल है यदि सब्जेक्ट बहुवचन का होगा तो यस या यस नहीं लगाएंगे। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे बताकर आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखा है रूल ऑफ ट्रांसलेट, यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को जानना बहुत ही जरूरी होता है कि हम किस तरह से बनाएं। तो आइए हम स्ट्रक्चर आपको देते हैं किस प्रकार से आप बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के लिए मैं ये रूल दे रहा हूँ। सबसे पहले आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, बट आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आप नहीं लगाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, लेकिन आपको मुख्य क्रिया में क्या करना है, इसी में प्लस करना है, इसी में ऐड करना है यस या तो ई एस, कब, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। यदि सिंगुलर नहीं रहेगा तो यस या यस हम नहीं लगाएंगे। प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, इन भी कर सकते हैं, यानी मेन वर्ब अगर सिंगुलर रहेगा तो यस या यस लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो आप नहीं लगाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। प्लूरल, प्लूरल के साथ यस या यस लगता ही नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस या यस, और याद रहे आपको मेन वर्ब जो भी होगा यहाँ पे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात जो की जा रही है, यानी प्रेजेंट इन्फिनिट में मेन वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यानी सब्जेक्ट मिस होता है कर्ता, मेन वर्ब मिस होता है मुख्य क्रिया, यानी मुख्य क्रिया का आपका फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, जिसमें आप यस या यस सिंगुलर के साथ लगाएंगे, प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, प्लस अदर का मतलब अन्य होता है। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। राम स्कूल जाता है, पहला एग्जाम्पल आपको लिखा गया है राम स्कूल जाता है। इसमें देखते हैं कि राम स्कूल जाता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब पर क्रिया क्या कर रहा है इसमें, जाने का, तो जाना की स्पेलिंग यहाँ पे गो होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल, यदि यह सिंगुलर है तो यस या यस लगाएंगे, यदि प्लूरल रहेगा तो यस या यस नहीं लगाएंगे। तो आपको बता देता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ही सी इट और आपका नेम, यदि इतने वर्ड आते हैं तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त यू हो गया, दे हो गया, आई हो गया, वी हो गया, इट इसी कह सकते हैं, इन फोर के अतिरिक्त अगर आता है तो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। तो आइए हम इसको देखते हैं, राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे नेम आ गया तो कंफर्म है कि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में यस या यस लगेगा। अब इसको देखेंगे कि वो हमारा क्या है,
सो हमारा इसमें आया हुआ है, इसलिए हम ओ में ई एस लगाएंगे, तो राम गोज। अब कहाँ जाता है, औ ऑब्जेक्ट है तो स्कूल। इस प्रकार से आपका बन गया। एक और मैं प्लूरल सब्जेक्ट लेके बना रहा हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाए। मैं पार्क में खेलता हूँ, खेलता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखा जा रहा है कि मैं आ गया, तो मैं आपको ही सी इट नेम में जो मैं दिया था सिंगुलर उसमें से नहीं है, तो मैं जो है यहाँ पे प्लूरल हो गया। तो आई अब सब्जेक्ट हो गया, क्रिया इसमें देखेंगे प्ले है, आई प्ले। अब अगर सिंगुलर होता तो यस या यस लगाते, प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगाएंगे। इसके बाद कहाँ खेल रहा है, इन द गार्डन में। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस अफर्मेटिव का कंप्लीट हुआ। आइए आगे हम देखते हैं प्रेजेंट इन्फिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि प्रेजेंट इन्फिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो होता है डूडज होता है, और आपको मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही सी इट नेम, जो कि मैंने एक बार फिर से यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ही सी इट और क्या है नेम। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब डच का यूज करते हैं, किसका, डच का। इसके अतिरिक्त अदर सब्जेक्ट होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। आइए इसको हम जानते हैं कैसे करते हैं। प्रेजेंट इन्फिनिट की नेगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे थे, तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि जैसे एग्जाम्पल मैं एक लिख देता हूँ, राम स्कूल नहीं जाता है। इसमें क्या है कि आपको पहचान बताया गया है कि हिंदी वाक्य अंत में ता है ती है आता है तो प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस कहलाता है। नेगेटिव का मतलब हो गया नहीं, जिस सेंटेंस में नहीं पाया जाता है वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पे आप अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ रहे हैं, यानी सिंपल सेंटेंस का नकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं जिसमें क्या है, राम स्कूल नहीं जाता है। इस प्रकार से यह नेगेटिव हुआ। तो आइए देखते हैं, इसके पहले हम रूल ऑफ ट्रांसलेट यानी बनाने का जो रूल है उसको हम जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेट में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस बताया गया है जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, जो कि आपको देखिए बनाया हुआ है राम डज, सॉरी यहाँ पे नाट रहेगा, राम डज नाट गो टू स्कूल। तो इस तरह से है, देखिए सब्जेक्ट है तो आप इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम हो गया, फिर डू या डज लगाएंगे। जब यह सिंगुलर होगा तो आप डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे नाट लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, यानी आपको यहाँ पे मिसपेंट है, देखिएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नाट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए प्रेजेंट इन्फिनिट की बात जो चल रही है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब की। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो लिख लीजिएगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल, इसको हम प्लूरल में बना के बताते हैं कि जैसे मैं, पिछला सेंटेंस था मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, आई के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा, आई डू हो गया। इसके बाद आप नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट, प्ले वर्ब हो गया मेन वर्ब, इन द गार्डन। इस प्रकार से आपने अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ लिया। अब आ ये हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये चार तरह के होते हैं, यानी फोर प्रकार के होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं। एक होता है जो पहला इंट्रोगेटिव होता है वह होता है आपका यश नो टाइप, एस या तो आपका नो होगा टाइप। और दूसरा जो होता है आपका इंट्रोगेटिव होता है वह डब्ल्यू एच टाइप होता है। आइए इसको हम अच्छे से जानते हैं, इसका हम रूल ऑफ ट्रांसलेट पहले हम आपको लिख के फिर बताते हैं। यहाँ पे आपको
यश नो टाइप का बताया गया है, जिसमें टू होते हैं, या तो एक यस में होगा या तो नो में होगा इंट्रोगेटिव। तो आइए पहला देखते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट। तो आपको जैसे हिंदी में बता दे रहा हूँ कि जो इंट्रोगेटिव का यश नो टाइप होगा उसमें क्वेश्चन पूछा गया आएगा, जैसे क्या आप स्कूल जाते हो, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, यानी क्या वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड जो है यह वाक्य के स्टार्टिंग में ही लगा रहेगा, यानी शुरुआत में लगा रहेगा। तो आइए रूल ऑफ ट्रांसलेट देखते हैं कैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर है। पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम डज लिखेंगे, या और प्लूरल होगा तो डू लिखेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे डज या डज लगाएंगे और प्लूरल होगा तो डू, यानी डू या डज को सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब नेगेटिव के लिए देखते हैं। नेगेटिव में क्या होगा कि ठीक वैसे ही आप सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू, और इसमें देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव होने पे हमेशा, नेगेटिव का कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, मेन वर्ब से पहले हमेशा नॉट रहेगा। आइए देखते हैं इसको बना के, जैसे क्या राम स्कूल जाता है, तो राम जो है पहले राम को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे राम जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, डज लगेगा, तो डज राम हो गया। इसके बाद देखिए आपका आ जाएगा वर्ब, वर्ब क्या है, गो, कहाँ जा रहा है, टू स्कूल। इस प्रकार से यह हमारा सेंटेंस बन गया। अब इसको देखते हैं नेगेटिव कैसे बनता है, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई हो गया, तो आई देख रहे हैं प्लूरल है, तो इसलिए आई प्लूरल है, तो हमारा क्या लगेगा, डू, तो डू आई। अब देखिए क्या है, खेलने वर्ब से पहले, देखिए मेन वर्ब से पहले आपका नॉट लगे, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, नॉट, तो डू आई नॉट प्ले इन द गार्डन हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस प्रकार से आप डब्लू यश नो टाइप का भी पढ़ा, आपको डब्लू यश टाइप का इंट्रोगेटिव मैं तुरंत बता रहा हूँ। डब्लू यश टाइप में हम देखते हैं पहला सेंटेंस, जैसे रूल ऑफ स्ट्रक्चर दे रहे हैं, पहले रूल ऑफ ट्रांसलेट बता देते हैं। इसमें क्या होगा कि राम स्कूल क्यों जाता है, इसमें जब कब क्यों कैसे जो वर्ड है वह वाक्य के बीच में आएगा। ठीक है, तो डब्लू यश कहलाएगा, डब्लू यश टाइप का कहलाएगा। जैसे देखते हैं इसको रूल ऑफ ट्रांसलेट, डब्लू एच यानी जैसे कब क्यों कैसे की मीनिंग सबसे पहले लिखी जाएगी, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार डज और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार डू हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा, एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। आइए एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं, जैसे राम स्कूल क्यों जाता है, तो इस सेंटेंस में कब क्यों कैसे की मीनिंग क्या होगी, सबसे पहले लिखी जाएगी, तो यहाँ पे क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, हुआई, यानी हुआई हो गया। अब उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, सॉरी सब्जेक्ट के बाद क्या है, डू या डज, तो राम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राम सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर के अनुसार हमारा क्या लगेगा, डज लगेगा, तो हुआई डज राम हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए हुआई डब्ल्यू एच टाइप, डू या डज, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर रहा है, गो, कहाँ जाने के लिए कर रहा है, टू स्कूल। इस प्रकार से आपका ये बन गया, व्हाई डज राम गो टू स्कूल। आइए इसका नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि इसमें काम का ना होना पाया जाएगा, अब सेम वैसे ही रहेगा, देखिए डब्ल्यू एच टाइप हो जाएगा, जो कब क्यों कैसे की मीनिंग, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ना मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको आइए देखते हैं कैसे बनता है, पहले क्यों आया है इसमें, क्यों की स्पेलिंग पहले लिख लेंगे, वाई, उसके बाद राम है तो राम के अनुसार यहाँ पे डज हो जाएगा, डज राम, इसके बाद आपका नॉट है रूल में, नॉट क्या कर रहा है, गो कर रहा है, कहाँ जा रहा है, टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट टेंस फिट खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, और अगला सेंटेंस, अगले टॉपिक जो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।